शीस महल की फाइल। दिल्ली सरकार द्वारा उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने उसके प्रचार के लिए, सरकार के नहीं पार्टी के प्रचार के लिए 90 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। कोर्ट ने ऑर्डर किया कि वो 90 करोड़ रुपया पार्टी के खजाने से दिल्ली सरकार में भरा जाए। इसकी जांच की फाइल भी ये सतर्कता विभाग में थी। माननीय अध्यक्ष जी, एक फीडबैक यूनिट बना दिया। अब आप संविधान की दुहाई दे रहे हो। ये एक्ट सुधारने के पहले भी लॉ एंड ऑर्डर इनके पास नहीं है, तो उनके पास खुफिया विभाग नहीं हो सकता। उन्होंने फीडबैक यूनिट के नाम से करोड़ों रुपए का खर्च कर एक स्वतंत्र गैर कानूनी खुफिया विभाग खड़ा कर दिया। अब इसकी भी जांच चालू हो गई। वो फाइल भी विजिलेंस में थी। BSES जो बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी है और BYPL कंपनियों का 21,000 करोड़ का बकाया था, फिर भी एक इंडस्ट्री को और रुपया दे दिया। उनको 21,000 करोड़ लेना है, वो साइड में रहा और दूसरा पेमेंट कर दिया। इसका भी विजिलेंस में इंक्वायरी चल रहा है। अब ये सारी फाइलों के लिए माननीय अध्यक्ष जी सतर्कता विभाग को निशाना बना दिया। और ये हमारे दल, मैं तो नहीं मानते सारे दल इसका समर्थन करते होंगे ऐसे काम के, मगर गठबंधन की एक मजबूरी है, इसलिए सारे दल ये सतर्कता विभाग के साथ आज आप पार्टी के साथ जुड़ गए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी एक कहा कि भाई सत्र बुलाने का। माननीय अध्यक्ष जी, सभी दलों की कहीं ना कहीं पार्टियां रही। मैं इनको ये कहना चाहता हूं कि आपने असेंबली, एक भी असेंबली ऐसी दिखी है जिसका सत्र अवसान ही न हो? माननीय अध्यक्ष जी, सत्र आहूत होता है, आप सत्र अवसान यहां करते हो, राष्ट्रपति महोदया साइन करती है, सत्र का अवसान होता है, नए सत्र का फिर से आहूत किया जाए। एक असेंबली देश में ऐसी है दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की जिसका सत्र अवसान ही नहीं होता है, चालू ही रहती है। और जब भी पॉलिटिकल भाषण देना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, सदन के विशेषाधिकार का उपयोग करना है, किसी को गाली गलौज करना है, तो आधे दिन का सत्र बुलाकर गाली बोलकर फिर से सत्र निलंबित कर देते हैं। सत्र का अवसान ही नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष, ऐसी कोई सरकार देखी है आपने? मैं इसलिए कह रहा हूं, इनको बताता हूं आप किसका समर्थन कर रहे हो, इसी किस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हो माननीय अध्यक्ष जी। और देश की जनता को यह सब मालूम है। और एक कैबिनेट के अधिकारों की बात कर रहे हैं, असेंबली के अधिकारों की बात कर रहे हैं। 2020 में दिल्ली विधानसभा का एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 5 बैठकें हुई, 2 दिन का, जो मजबूरी है बजट पारित कराना है। 21 में भी एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, जिसमें 3 दिन की बैठक करी, चार बैठकें करी, वो बजट सत्र था, मजबूरी है। 2022 में एक ही सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, क्योंकि मजबूरी है बजट पारित करना है। और 2023 में भी एक सत्र बुलाया गया, बजट सत्र, इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई माननीय अध्यक्ष जी। अरे विधानसभा के अधिकारों की, हमारे विपक्षी दल के मित्र, कौन से अधिकार भाई, विधानसभा बुलानी है नहीं है? ओवैसी जी, आप मुगालते में है, आप मुगालते में है, विधानसभा बुलानी ही नहीं है। ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ। अब वो परेशान है, इसलिए कहता हूं, मैं चाहता हूं आप अपनी स्वयं, आपके मुद्दे सबसे अलग है। माननीय अध्यक्ष जी मैं अब कैबिनेट बैठक पर आता हूं। 2022 के लिए, 2022 में सिर्फ 6 कैबिनेट बैठक बुलाई गई, सिर्फ 6 ही बैठक पूरे साल में, इसमें से तीन बैठक बजट संबंधी थी और एक बैठक एक कंपनी को फायदा करने के लिए बुलाई गई। तो एक चुल में देखे तो 2 बैठक बुलाई गई। माननीय अध्यक्ष जी, 2023 में 2 ही बैठक अब तक बुलाई गई है, दोनों बैठक बजट के लिए। अब ये कैबिनेट की बात कर रहे हैं भैया, कैबिनेट बुलाते नहीं है, वही तकलीफ है दिल्ली की जनता को, ये तो बुलाते ही नहीं कैबिनेट। हम तो चाहते हैं कैबिनेट बुलाया जाए। आप किसका समर्थन कर रहे हो? गठबंधन करना चाहिए, सबको जोड़ना चाहिए।
हम भी चलाते हैं, मगर ऐसे एक भी बिल में चर्चा नहीं करना और इसमें खड़े हो जाना। माननीय अध्यक्ष जी, शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित करने के लिए विज्ञापन के नाम पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया, इसमें भी कोर्ट ने स्ट्रिक्चर किया। केक का रिपोर्ट 2 साल से सदन में नहीं रखते हैं, संवैधानिक प्रोविजन है, आप हमें संविधान सिखाते हो, जरा आपके साथी को सिखा दो कि केक के रिपोर्ट को आप छुपा नहीं सकते हो। 2 साल से साहब केक का रिपोर्ट नहीं छुपा, सदन के पटल पर नहीं रखते। बोलो क्या ये संवैधानिक प्रावधान है? माननीय अध्यक्ष जी, RRTS, एम्स, UER, IIT दिल्ली, ये इस जैसी संस्थाओं के 13 परमिशन वहां लंबित है, नहीं देते हैं। उनको डर है कि ये सब होगा है तो मोदी जी बड़े लोकप्रिय हो जाएंगे। मैं इनकी सरकार चलाने का तरीका बताता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 5G टेक्नोलॉजी लाने के लिए 2016 के एक अधिनियम बनाए, देश के सारे राज्यों ने, इवन DMK ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया, परंतु दिल्ली नहीं करता है क्योंकि उनको विकास से कोई सरोकार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 2013 से जो सिविल सर्विस बोर्ड की हमने रचना की, इसको लेकर ये आगे गए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सदन के सामने और आपके माध्यम से देश की जनता को बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि ये अध्यादेश और बाद में अब जो बिल में कन्वर्ट हो रहा है, वो विधेयक लेकर मैं आया हूं, ये संपूर्णतया संविधान सम्मत है और केवल दिल्ली की जनता के कल्याण के उद्देश्य से बनाया गया है। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य इसके लिए नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं मारन जी पूछ रहे हैं, माननीय अध्यक्ष जी भाई ये भी खड़े हो गए, मैं क्या करूं, एक बार ये भी खड़े हो गए। सदन की कार्रवाई इस विषय की समाप्ति तक बढ़ाई जाती है। माननीय गृह मंत्री जी, क्या होम मिनिस्टर, माननीय, हाँ आप क्या बोल रहे थे? 2G 5G पे समझौता बस नहीं हो रही यहाँ पे। सर, आई वॉन्ट टू सबमिट सर, थ्रू यू सर आई वॉन्ट टू सबमिट वन थिंग बिफोर दी हाउस एंड दी ऑनरेबल होम मिनिस्टर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द अदर साइड ड्रेसरी बेंचेस, एज फार एज 2G इज कंसर्न। नो, माननीय गृह मंत्री जी, 2G 3G, माननीय 2G 3G में बस नहीं हो रही। नो, कुछ नहीं बोला। नो लगाया है, आप क्यों 2G पे नाम पूछ नाराज हो रहे हो? अरे 2G पे नाराज, पे इतना नाराज क्यों जाते हो? देखो पुरानी बातों को लेके मत चलो। वो 2G अध्यक्ष जी रिकॉर्ड पर नहीं है, बता दीजिए इनको। देखिए वो रिकॉर्ड पे नहीं है, आप क्यों रिकॉर्ड बनाना चाहते हो बात? अरे ऑनरेबल मेंबर, वो रिकॉर्ड में नहीं है, आप क्यों रिकॉर्ड बनाना चाहते हो बात? ऑनरेबल मेंबर, वो रिकॉर्ड में नहीं है। ओके, नो रिकॉर्ड। ओके, माननीय गृह मंत्री जी, नो रिकॉर्ड मिस्टर बालू, रिकॉर्ड में नहीं गया, क्यों रिकॉर्ड में लाना चाहते हो उसको बिना काम में? बिना जी, गृह मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, बालू जी,
चलो आप कहेंगे जब 2G 3G पे चर्चा करा लेंगे, अभी गृह मंत्री जी की चर्चा करने को। हाँ जी मैं करता हूँ बाद में। ओके ओके बालू जी रिकॉर्ड पर नहीं है, प्लीज रिकॉर्ड पर नहीं है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी कुछ सदस्यों ने टिप्पणियां करी है, मैं जरूर जवाब देना चाहता हूं। मैं तो सीधा साधा भाषण करने आया था नियमों के अनुसार, मगर राजनीतिक टिप्पणियां कर गई तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष राजीव रंजन जी ने कहा कि लोकलाज होनी चाहिए,